हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? बोलो होम सेंटर। होम थिएटर। और होम टाउन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी होम टाउन एंड होम सेंटर में दिवाली रिलेटेड जो भी डेकोर आइटम अवेलेबल है। तो मैं पहले जा रही होम टाउन जो आपका सेंट्रल सेंट्रल के ठीक टॉप फ्लोर में है और दोनों ही बहुत आसपास है, तो इसीलिए मैं दोनों ही आपके साथ टूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मुझे दिवाली रिलेटेड लगा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले इस तरह से बेल था, यहाँ पे गोल्डन पैटर्न पे, मतलब गोल्डन पैटर्न आपको नहीं मैं बोलूँ मेटल पे ही आपको सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर गोल्डन गोल्डन कलर के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैं वन बाय वन आपके यहाँ शेयर कर रही हूँ और थोड़ा सा यूनिक जो मुझे लग रहा है वही मैं आपके यहाँ शेयर करूँगी। तो इस टाइप का लंटन है, अगर आप लोग बाहर में इस तरह से हैंगिंग दिया के साथ भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहा है 8.95। हर प्रोडक्ट में कोई भी सेल अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे गिफ्ट आइटम में भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो तो थोड़ा सा लेट आया है बट धनतेरस में भी बहुत लोग चाहते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ खरीदना, तो डेफिनेटली यहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो ये भी लंटन आप लोग बहुत यूट्यूबर को देखे होंगे जो आपको होम टाउन होम सेंटर में ही मिलता है एंड बाहर में भी मिलता है, बट यहाँ का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है। तो यहाँ पर 4 का सेट 5 का सेट भी मिल रहा है, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है उस हिसाब से भी आप लोग खरीद सकते हैं। कैंडल सेट भी मिल रहा है, अगर किसी को दिवाली में आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोग खरीद सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट आपको आसपास पिंक, रेड, ऑरेंज, गोल्डन, ब्लैक एंड गोल्डन, गोल्डन एंड व्हाइट, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है हर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ। कोई ऐसा नहीं जो बहुत कॉमन खाली कलर चेंज कर दिए, ऐसा भी नहीं किए हैं। प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप होम सेंटर के साथ कंपैरिजन किए करते हैं तो प्राइस लिटिल बिट हाई है। मैं प्राइस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइस से आप लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक आप वो प्रोडक्ट को हाथ में नहीं लेंगे, बट हाँ एक सिंपल सा टूर करवा दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप इसके बाद आपके पास दिखाऊंगी यहाँ पर बहुत सारे मतलब आपके पास ब्लैक एंड गोल्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट है जैसे इस तरह का। उसके बाद घड़ी का बहुत सारे, वॉचेस का, वॉल वॉचेस का बहुत सारे कलेक्शन आया है जो होम सेंटर में नहीं है। इतना कलेक्शन लास्ट टाइम में भी नहीं था, इस बार दिवाली के कारण है। इस तरह से देखिए ग्लोब भी बहुत अच्छा लगता है, सेंटर टेबल हो, कॉफ़ी टेबल हो, या आपका कोई स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं एज ए डेकोर। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिरर का बहुत सारे कलेक्शन है, डिस्काउंट देखिए 700 to 800 के अंदर 3 पीस का मिरर का बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इवन कुछ कुछ सेट का बिना डिस्काउंट का भी आपको विदिन 800 के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 3 का सेट का जो मिरर कलेक्शन है वो सब मिरर आप लोग एज ए वॉल डेकोर के हिसाब से भी आप लोग लगा सकते हैं। और लिविंग एरिया में अगर मिरर लगाते हैं तो आपका लिविंग एरिया और भी बड़े दिखते हैं अगर छोटा लिविंग एरिया है तो। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि 800 में अगर 3 का सेट मिल रहा है इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कहीं पर डील मिल रहा है। इवन विदाउट डिस्काउंट में भी 8 to 850 तक आपको मिल जाएंगे। लैम्प का भी बहुत सारे सेट आ चुका है तो आप लोग अपने हिसाब से एक बार जाइए। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में मिरर का साइज के हिसाब से आपका प्राइस वेरिएशन करता है, तो हर पैटर्न में आपको मिरर का कलेक्शन मिल जाएगा। इवन डिफरेंट टाइप का आपको वॉल डेकोर का आइटम भी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार जरूर से जाइए। उसके बाद इस तरह से लैंटर्न, हैंगिंग लैंटर्न भी मिल रहा है। और उसके बाद में आपको इस तरह से आपको अगर देखेंगे कैंडल का सेट इस तरह से बहुत ही यूनिक लग रहा था, बहुत ही क्लासी लुक लग रहा था और प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। सेंटर टेबल रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा वॉल डेकोर अवेलेबल था, तो आप लोग एक बार जरूर से जाइए। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। सेंटर टेबल पे इस तरह से डेकोर का आइटम भी आप लोग रख सकते हैं या यहाँ पे नट्स सर्व कर सकते हैं। इवन बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया से रिलेटेड मिलेगा, बहुत ही क्लासी था। अगर सेंटर टेबल पे इस तरह से कोई दिया रख देते तो आपको सेंटर टेबल बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लगने वाले हैं। तो प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मैं फिर से बोल रही हूँ लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इसको आप लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में मान सकते हैं, अगर मान लीजिए इस बार लिए तो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑल्टरनेटिव करके भी अपना होम डेकोर को भी चेंज कर सकते हैं।
तो हैंगिंग लंदन भी बहुत सारे ऑप्शन में अवेलेबल था, जो भी आपको अपने बजट के हिसाब से आप लोग को फिक्स करके जाना होगा, क्योंकि बजट तो आउट ऑफ बजट जाने ही वाला है अगर आप लोग जाके खरीदवारी करते हैं, इसलिए एक प्रॉपर बजट करके जाना होगा। पेंटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन था, मतलब कम से लेके ज़्यादा तक आप देख पा रहे होंगे कितने सारे ऑप्शन है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ 3 to 10,000 तक मुझे जितने भी पेंटिंग का ऑप्शन मिला था वॉल डेकोर के हिसाब से बहुत सारा ऑप्शन था। अब पेंटिंग किसको किस तरह से पसंद है वो लोग अपने हिसाब से अपना पेंटिंग को चूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल पैटर्न में इंडिविजुअल स्टाइल में पेंटिंग अवेलेबल था, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज करके ले सकते हैं अगर अपने वॉल को और भी क्लासी और स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं तो। अगर अपने लिविंग एरिया को और भी अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो कुशन कवर तो मस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न में कुशन कवर मिल रहा था, प्रिंटेड, फॉयल प्रिंट, इवन सेमी क्या कहते हैं स्टिच किया हुआ, हल्का सा वर्क किया हुआ, गोल्डन पैटर्न में, वाइट में, ब्लैक में, मल्टी कलर में, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको कुशन मिल रहा है कुछ इस तरह से, व्हाइट के ऊपर गोल्डन का सीक्वेंस काम किया हुआ, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। प्राइस आपका 200 से लेके 1000 तक मुझे जितना भी ऑप्शन दिखा था वो आपको मिल रहा है। इस तरह से आपको वाटर फाउंटेन देख ले सकते हैं अपने लिविंग एरिया को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, क्योंकि फाउंटेन से आपका लिविंग एरिया एकदम डिफरेंट स्टाइल में आ जाता है। इस तरह से नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर जो जो आर्टिफिशियल प्लांट है ये मिरर जो बहुत ही यूनिक था। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे आपको फ्रेगरेंस से रिलेटेड है जो आपको 25% डिस्काउंट है, आप लोग अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा करके कोई भी फ्रेगरेंस या परफ्यूम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट ये क्यूट सा लंडन था जो आपको सिर्फ 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 99 में मिल रहा था और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। एंड नेक्स्ट ये जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट था ये दिया का सेट, मतलब अगर इसको कहीं पे भी सेंटर टेबल हो, लिविंग एरिया हो, कहीं पे भी अगर रखते हैं तो कुछ एरिया बहुत ज़्यादा क्लासी लगने वाला है। तो इस तरह से गोल्डन से रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट आया था, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई थी होम टाउन जाके, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आई थी, मे भी तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा न्यू लग रहे थे। मे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें से कौन सा न्यू है या कौन सा पुराना है, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद गई थी तो मुझे लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर कोई जा भी नहीं पा रहे तो घर बैठे भी एक टूर जरूर कर सकते दिवाली में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगा, बहुत ही सुंदर था, तो आप लोग जाके इसको भी परचेस कर सकते हैं, वो 1000 समथिंग कुछ इसका प्राइस था। नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग होम सेंटर जो एक्सिस मॉल के पास, एक्सिस मॉल के साथ में जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल के ऊपर में है, तो पहले ही मैं बोल रही हूँ लाइफस्टाइल में ठीक टॉप फ्लोर में है, तो अगर आप लोग जाते हैं तो डेफिनेटली अगर नहीं भी समझ में आता तो डायरेक्टली आप लोग चल जाइए एक्सिस मॉल में। अब आ गई हूँ मैं होम सेंटर जो लाइफस्टाइल के ऊपर में है, बट मैं एक बार ज़रूर बताऊँगी होम सेंटर से रिलेटेड मेरा 2 वीडियो पहले भी है, उसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट नया है और कौन सा प्रोडक्ट नया नहीं है। क्योंकि मैं जब होम सेंटर में गई तब मुझे कुछ भी ऐसा कुछ भी नयापन नहीं लगा, तो भी आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण मैंने होम सेंटर का भी टूर दिखा दिया जो होम डेकोर के लिए आप लोग दिवाली में ऐड कर सकते हैं, अपना लिविंग एरिया, अपना बेडरूम, अपना डाइनिंग रूम जस्ट फॉर यू, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे जो भी प्रोडक्ट देखे मुझे ऑल दोज थिंग्स सब पुराना लग रहा था, कुछ कुछ को छोड़ के। तो मैं स्पेसिफिक आप खुद मुझे बताइए कौन सा आपको नया लग रहा है, अगर आप पहले भी होम टाउन का टूर कर चुके हैं, सॉरी होम सेंटर का टूर कर चुके हैं तो मुझे बताइए। तो ओवरऑल कुछ लुक इस तरह सा है, इसलिए मैं इसको वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ। अगर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं मेरा पिछले वीडियो भी ऑलरेडी है, वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये रेड थीम पर थोड़ा सा कुछ कुछ प्रोडक्ट नया दिखा है, पिकॉक उकॉक लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, ये सब पुराना मुझे दिख रहा था, ऑल दोज थिंग। तो मैं तो आके मुझे लग रहा था मैं क्यों आई हूँ सेंटर में, ठीक है चलो आई हूँ आप लोग के लिए, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स रिसर्च भी कर रही हूँ, कुछ नया मिल जाए कुछ नया मिल जाए। उसमें से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये वाइट बुद्धा नया लगा, थोड़ा सा डक नया लगा, और आई थिंक और मुझे ऐसा कुछ भी नया नहीं लगा। तो दिया में कुछ कुछ जैसे तुलसी दिया ये सब दिया सिर्फ दिवाली से रिलेटेड, ये दिया का जो कलेक्शन है वही थोड़ा सा नया लगा, एंड लास्ट ईयर में भी ये सब कलेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल था, बट उस टाइम में मैंने आपके साथ कोई शेयर नहीं किया हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर दिया का कुछ कुछ कलेक्शन थोड़ा सा नया मुझे लग रहा था, तो कुछ इस तरह से दिया का सेट मिल रहा था, 2 का 4 का 6 का अपने हिसाब, ये सिंगल पेयर का, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज
मुझे पर्सनली होम सेंटर में जो भी मुझे मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था वही मुझे लगा। जैसे यहाँ पे जो सेंटर टेबल के से रिलेटेड जो सेंटर टेबल मैट है वो थोड़ा पुराना ही था, बट ये रनर मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। सेम मैचिंग का यहाँ पर टेबल मैट भी है तो वैसा है। तो यहाँ पे जो मिरर है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट था, बट मैंने देखा था तब तो उस टाइम साइज छोटा था। तो गाइज ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड वीडियो के यहीं पे एंड करूंगी और जाने से पहले शुभ दीपावली। आप लोग दीपावली को बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छे से इंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।